फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। और क्या हो रहा है आप लोगों के यहाँ? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं रेडी हो रही हूँ, गैस करिए कहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। चलिए मैं ही बता देती हूँ, आज मैं जाऊँगी वोट डालने। और आप लोगों के यहाँ वोटिंग हो गई कि नहीं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो आज है हमारे यहाँ वोटिंग, तो आज सुबह से ही सब लोग बहुत जोश में हैं और सड़क पे भी काफ़ी चहल पहल है। सुबह 6 बजे से ही लोग आना जाना शुरू हो गए हैं सड़क पे। उसका व्यू मैं आपको ऊपर जाके छत पे जाके दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं खुद ही तैयार हो रही हूँ और आज ब्रेकफास्ट भी मैंने कुछ आसान सा डिसाइड किया है, कुछ जिसे जल्दी जल्दी बन जाएगा तो मैं टाइमली जा पाऊँगी वोट डालने। और आप लोगों में से बहुत लोगों के यहाँ तो वोटिंग हो गई होगी और सबने अपने मनपसंद नेता को वोट डाल दिया होगा। मेरा भी वोट सीक्रेट है कि मुझे किसको वोट डालना है, अभी सीक्रेट है। तो मैं अभी जाऊँगी, तैयार हो जाऊँ। अभी मम्मी जी गई हैं वोट डालने, तो जब वो वापस आएंगी तो मैं जाऊँगी। जब तक मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और आज सुबह से ही सड़क पे बहुत भीड़ है, सभी लोग बहुत जोश में हैं, अपने वोटिंग का जो अधिकार है उसे आज पूरा करने जा रहे हैं। और जाना भी चाहिए, आप लोग भी जब भी वोटिंग हो आप लोगों के यहाँ तो आप लोग भी ज़रूर जाना। घर पे मत रहना, आप लोग भी वोट देने ज़रूर जाना। अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है आप लोगों के यहाँ तो प्लीज़ आप लोग भी वोट ज़रूर करना। और मेरे यहाँ भी आज चहल पहल है। एक्चुअली मेरी सिस्टर का बेटा भी आया हुआ है, वो यूपी पुलिस में है, तो उसकी ड्यूटी आज मेरे एरिया में लगी हुई है। वैसे वो नोएडा पुलिस में है, नोएडा में जॉब करता है, बट उसकी अभी यहाँ पर ड्यूटी लगी है, तो वो भी कल आया था यहाँ पर। अभी वो ड्यूटी पे कल ही रात में जा चुका है और हमारे घर से काफ़ी दूर उसकी ड्यूटी लगी है, हमारे बूथ पे नहीं लगी। हमारा बूथ अभी थोड़ा पास में ही है, तो हम लोग जाएंगे वोट डालने। तो ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं, हम अपना नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद वोट के लिए तैयार हो जाएंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो में। और एक बात और बोलना चाहूँगी, जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जाऊँगी वोट डालने, तो मैंने कोई आसान सा ब्रेकफास्ट तैयार करने का सोचा है। और मैं बना लूँगी बेसन का चीला, और ये बेसन है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अभी मैं प्याज कट करूँगी, टमाटर कट करूँगी, मैं हरी मिर्ची डालूँगी, थोड़ा सा धनिया, नमक मिर्ची, हल्दी, और फटाफट से बन जाएगा मेरा चीला। और उसको खिला के फिर मैं जाऊँगी वो डालने। अब फ्रेंड्स, सब कुछ कट करके मैंने इसमें डाल दिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। तो अभी कुछ इस टाइप का गाढ़ा पेस्ट तैयार हो गया है। चलते चलते मेरे कभी कभी। आज वोटिंग का दिन है, तो सड़क पे चहल पहल बनी हुई है, लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं। इधर आगे जाके सेंटर है, तो लोग यहाँ से वोट डालने के लिए आज सुबह से ही निकल रहे हैं। लोगों में बड़ा जोश है वोट डालने के लिए, सुबह से ही यहाँ बहुत चहल पहल हो गई थी। अभी तो ये चहल पहल थोड़ी कम हो गई है, बट 12-1 बजे तक
काफ़ी चहल पहल थी। तो जहाँ आदि भी झाँक के वोट करने वालों को देख रहे हैं और मेरे से जिद कर रहे थे, बोल रहे थे मैं भी वोट डालने चलूँगा। अब बाबा इनको कौन समझाए कि छोटे बच्चे वोट नहीं डालते हैं। मैंने बोला आपकी वोटर आईडी नहीं है, तो बोल रहे हैं आधार कार्ड तो है ना, उसे दिखा के वोट डाल देंगे। अब बताओ आप ही लोग समझाओ इनको, इनको बहुत जल्दी है अभी से वोट डालने की। तो फ्रेंड्स, मैं वोट डालने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और अभी निकलने वाली हूँ। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने साथ वोटिंग के टाइम ले जानी है, वो है वोटर आईडी। आई नो आप सबको ये तो पता ही है, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मास्क। अगर आप मास्क लगा के नहीं गए तो हो सकता है वहाँ के सिक्योरिटी लोग आपको वापस भेज दें, इसलिए आप अपना मास्क ज़रूर लेके जाएं, पहन के जाएं, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। तो फ्रेंड्स ओके, मैं चलती हूँ अपना वोट डालने और लौट के आके सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपना वोट डाल दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइस देखिए मैं वोट डाल के आ गई हूँ और देखिए बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है और जस्ट मैं अभी अभी आई हूँ अंदर। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को दिखा दूँ, देखिए। ओके अब मैं जाती हूँ अंदर।